नमस्कार दोस्तों, हम आज आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, एक कहानी आपको अपने जीवन में बहुत सारा बदलाव लाएगा और आप सब लोग इस कहानी को सुनकर मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने जीवन में बहुत बदलाव लाएंगे और अपने जीवन को बेहतर करोगे। कृपया यदि आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब चलती है कहानी का, और यह कहानी बहुत ही पुरानी है। उस समय महात्मा गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे। धर्म प्रचार के सिलसिले में वे अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। काफी देर तक भ्रमण करते रहने से उन्हें बहुत प्यास लग गई थी। प्यास बढ़ता देख उन्होंने एक शिष्य को पास के गांव से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटी सी नदी बह रही है जिसमें काफी लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे थे और कई अपने गायों को नहला रहे थे। इस कारण नदी का पानी काफी गंदा हो गया था। शिष्य को नदी के पानी का ये हाल देख लगा कि गुरुजी के लिए यह गंदा पानी ले जाना उचित नहीं होगा। इस तरह वह बिना पानी के ही वापस आ गया। लेकिन इधर गुरुजी का तो प्यास से गला सूखा जा रहा था, इसलिए पुनः उन्होंने पानी लाने के लिए दूसरे शिष्य को भेजा। इस बार वह शिष्य उनके लिए मटके में पानी भर कर लाया। यह देख महात्मा बुद्ध थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने शिष्य से पूछा, गांव में बहने वाली नदी का पानी तो गंदा था, फिर ये पानी कहाँ से लाए? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, उस नदी का जल सही में बहुत गंदा था, परंतु जब सभी अपना कार्य खत्म करके चले गए तब मैंने कुछ देर वहाँ ठहर कर पानी में मिली मिट्टी के नदी के तल में बैठने का इंतजार किया। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया, वही पानी लाया हूँ। महात्मा बुद्ध शिष्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए तथा अन्य शिष्यों को एक शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन समान यह पानी भी गंदा लगने लगता है। मित्रों, इसलिए हमें जीवन में दुख और बुराइयों को देखकर अपना साहस नहीं खोना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। गंदगी समान ये समस्याएं स्वयं ही धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। अपने दुखों का कारण आप ही है। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक नगर में घूम रहे थे। उस नगर के आम नागरिकों के मन में बुद्ध के विरोधियों ने यह बात बैठा दी थी कि वह एक ढोंगी है और हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। इस वजह से वहां के लोग उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। जब नगर के लोगों ने बुद्ध को देखा तो उन्हें भला बुरा कहने लगे और बदुआएं देने लगे। गौतम बुद्ध नगर के लोगों की उलाहने शांति से बिना बोलने सुनते रहे, लेकिन जब नगर के लोग उन्हें बोलते बोलते थक गए तो महात्मा बुद्ध बोले, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई है तो मैं यहाँ जाऊं। भगवान बुद्ध की यह बात सुन वहां के लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। वही खड़ा एक आदमी बोला, ओ भाई, हम तुम्हारा गुणगान नहीं कर रहे हैं, हम तो तुम्हें गालियां दे रहे हैं, क्या इसका तुम पर कोई असर नहीं होता? बुद्ध बोले, आप सब मुझे चाहे जितनी गालियां दो, मैं उन्हें लूंगा ही नहीं। आपके गालियां देने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। बुद्ध आगे बोले, और जब मैं इन गालियां को लूंगा ही नहीं तो यह कहाँ रह जाएगी? निश्चित ही आपके पास। मित्रों, बुद्ध के जीवन का यह छोटा सा प्रसंग हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि बहुत से लोग अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ऐसा कर हम स्वयं के लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं। यह सब हम पर निर्भर है कि हम लोगों के नेगेटिव बातों को कैसे लेते हैं, उन्हें स्वीकार कर रहे हैं या नकार रहे हैं।
इस दुनिया में कोई गरीब नहीं। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी विभिन्न परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उसका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौटते। उसी गांव के सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता तथा महात्मा बुद्ध के उपदेश शिविर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता। उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो बड़े दुखी चेहरे लेकर जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो बड़े खुश और प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस गरीब को लगा कि क्यों न वो भी अपनी समस्या को भगवान के समक्ष रखे। मन में यह विचार लिए वह भी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। लोग पंक्तिबद्ध खड़े होकर अपनी समस्या को बता रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और फिर कहा, भगवान इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध हैं। फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ? इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। इस पर वह गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, भगवान मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा? मेरा तो स्वयं का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो, मुख दिया है ताकि लोगों से दो मीठे शब्द बोल सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर सकते हो, दो हाथ दिए हैं लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसको ये तीन चीजें दी है वह कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है, यह तो एक भ्रम है, इसे निकाल दो। कभी भी मन में निर्धनता का भाव उत्पन्न न होने दो, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध का संदेश सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा और उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा, जिससे वह फिर कभी दुखी नहीं हुआ। अहंकार का उपहार। महात्मा बुद्ध के पास सेठ रतनचंद दर्शन को आए तो साथ में ढेरों सामग्री उपहार स्वरूप लाए। वहां उपस्थित जनसमूह एक बार तो वाह वाह कर उठा। सेठ रतनचंद का सिर तो गर्व से तना जा रहा था। बुद्ध के साथ वार्तालाप प्रारंभ हुआ तो सेठ ने बताया कि इस नगर के अधिसंख्य चिकित्सालयों, विद्यालयों और अनाथालयों का निर्माण मैंने ही कराया है। आप जिस सिंहासन पर बैठे हैं वह भी मैंने ही भेंट किया है, आदि आदि कई दान सेठ जी ने गिनवा दिए। सेठ जी ने जब जाने की आज्ञा चाही तो बुद्ध बोले, जो कुछ साथ लाए थे सब यहाँ छोड़कर जाओ। सेठ जी चकित होकर बोले, प्रभु मैंने तो सब कुछ आपके समक्ष अर्पित कर दिया है। बुद्ध बोले, नहीं, तुम जिस अहंकार के साथ आए थे उसी के साथ वापस जा रहे हो। यह सांसारिक वस्तुएं मेरे किसी काम की नहीं। अपना अहम यहाँ त्याग कर जाओ, वही मेरे लिए बड़ा उपहार होगा। महात्मा बुद्ध का यह कथन सुनकर सेठ जी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। भीतर समाया हुआ सारा अहंकार अश्रु बनकर बुद्ध के चरणों को धो रहा था। महत्वपूर्ण दान। भगवान बुद्ध एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए थे, हर भक्त की भेंट स्वीकार कर रहे थे। तभी एक वृद्धा आई। उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास आपको भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, आज एक आम मिला है, मैं इसे आधा खा चुकी थी, तभी पता चला कि तथागत आज दान ग्रहण करेंगे, अतः मैं यह आम आपके चरणों में भेंट करने आई हूँ, कृपा कर इसे स्वीकार करें। गौतम बुद्ध ने अपनी अंजुरी पात्र में वह आधा आम प्रेम और श्रद्धा से रख दिया, मानो कोई बड़ा रत्न हो। वृद्धा संतुष्ट भाव से लौट गई। वहां उपस्थित राजा यह देखकर चकित रह गया।
उसे समझ नहीं आया कि भगवान बुद्ध वृद्धा का जूठा आम प्राप्त करने के लिए आसन छोड़कर नीचे तक हाथ पसार कर क्यों आए। पूछा, भगवान इस वृद्ध में और इसकी भेंट में क्या ऐसी विशेषता है? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, राजन, इस वृद्धा ने अपनी संपूर्ण संचित पूंजी मुझे भेंट कर दी, जबकि आप लोगों ने अपनी संपूर्ण संपत्ति का केवल एक छोटा भाग ही मुझे भेंट किया है। दान के अहंकार में डूबे हुए बग्घी पर चढ़कर आए हो। वृद्धा के मुख पर कितनी करुणा और कितनी नम्रता थी। युगों युगों के बाद ऐसा दान मिलता है। धन्यवाद दोस्तों कि आपने यह वीडियो देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने सुझाव दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए वीडियो के लिए बने रहें और हमसे जुड़े रहें। अगर आपका कोई सवाल है तो कृपया कमेंट करें, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।